इस शहर के वरिष्ठ नागरिक मित्रगण, नई पीढ़ी के साथीगण, अधिकारी मित्रगण और मीडिया के समस्त भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय नकवी जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं बचपन से रामपुर की कहानी सुन के आया हूं। रामपुर भारत की एक बौद्धिक केंद्र है। आज से लगभग 200 साल पहले यहां के नवाब लाइब्रेरी की कल्पना किए थे। उस इस लाइब्रेरी में पारस्य सभ्यता से, अभी हमारे कमिश्नर हमको बता रहे थे, 8th सेंचुरी, 8वीं सदी के हाथ में लिखी हुई कुरान को यहां की राजा, यहां के नवाब लेके आए थे। और आज आदरणीय नकवी जी, मोदी जी की, योगी जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सदियों से जो रामपुर की विरासत रही है, रामपुर लेता नहीं है, रामपुर दुनिया को देने वाला स्थान है, ऐसे आज नकवी जी ने देश भर की कारीगरों को इकट्ठा बुला के रामपुर की सभ्यता, रामपुर की तहजीब, रामपुर की संस्कृति से जोड़ने का आज अनोखा एक संगम किया है। मैं इसीलिए सबसे पहले नकवी जी को हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, आपने हम सभी को जोड़ा। मित्रों, विभाग तो है अल्पसंख्यक विभाग के, देखिए मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मामला ऐसा है, थोड़ा बहुत सच कहने से सियासत हो ही जाता है। मैं नकवी जी के साथ पार्लियामेंट में होता था, नकवी जी राज्यसभा में होते थे, मैं लोकसभा में होता था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की मैंडेट यह था कि आप देश भर में माइनॉरिटी भाई बहनों की हालत क्या है, इसको थोड़ा छानबीन करके बताओ। 2005 की बात है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कई चीजों को उजागर किया। क्या हालत रही, रोजगार की क्या हालत रही, पढ़ाई की क्या हालत रही, स्वास्थ्य की क्या हालत रही, बिजली कहां है, घर है कि नहीं है, स्वाभिमान स्वावलंबन कितना है माइनॉरिटी की आजादी के 60-65 साल के बाद, इसकी एक लेखा जोखा बनाई गई। और मित्रों, मैं ताजुब रहा, जो लोग अल्पसंख्यकों के हितैषी खुद को मानते थे, उन्हीं के द्वारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई भी गई। लाने के बाद सबसे खराब हालत, जहां लंबे समय तक ऐसे नकली हितैषियों की सरकार रही, वो बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, ऐसे राज्य में या उत्तर प्रदेश हो, मैं 7 साल की लेखा जोखा आपके सामने देता हूं। आज की हुनर हाट में अल्पसंख्यक विभाग की हाट की विभागों की इस कार्यक्रम के अंदर अभी मैं फिर आभार प्रकट करूंगा आप सभी को। आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपने हमें याद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को हमें मौका मिला क्रियान्वयन करने के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पे उत्तर प्रदेश की भाई बहनों के घर में, विशेष करके माताओं की, गरीब माताओं के घर में गैस चूल्हा पहुंचाने के लिए। और इसकी फायदा सबसे किसको ज्यादा मिला, दो वर्गों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। उत्तर प्रदेश की आंकड़ा कहती है
लगभग 2 करोड़ से ज्यादा एलपीजी की नई कनेक्शन यूपी में लगी और उसमें लगभग 40% दलित भाई बहनों की घर में लगी और लगभग 30-35% अल्पसंख्यक भाई बहनों के घर में लगी। एक तरफ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसकी स्थिति, दूसरी ओर मोदी जी नकवी जी की सरकार की उपलब्धि। और आज क्या कल्पना की गई है इस सुंदर हाट में। मित्रों, अभी आप लोगों ने अमेरिका की पार्लियामेंट में अमेज़न की कारोबार को लेकर झगड़ा होते हुए सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। अमेरिका की पार्लियामेंट में अमेज़न एक कारोबार की, एक खुदरा व्यापार करने की एक व्यवस्था है। कई प्रकार के आजकल ई कॉमर्स की दुनिया आई है, रामपुर की हो, बदोई की हो, मुरादाबाद की, कांसे की काम हो, ब्रास की काम हो, कालीन हो, बनारस की साड़ी हो, उत्तर प्रदेश में तो हर एक जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक राज्य जिले में एक उत्पादित चीज की ब्रांडिंग की कल्पना की गई है। ऐसे चीजों को बिक्री होने की चुनौती होती है। हमारी जो गरीब कारीगर है वो ब्रांड नहीं जानता है। आगरा की जूती जो मेरे आगरा में बनता है, जिसकी दाम 500 रुपया है, उसको एक लुई भीटन की ब्रांड लगती है तो 50,000 हो जाती है। जूते वही है, आगरा की मेहनत है, हमारी कारीगर की हुनर है, लेकिन ब्रांड नहीं होने के कारण 500 देखिए, 50,000 देखिए। ये जो स्टॉल जिसको बनाने में या अगर 1,000 रुपया में ये बिक्री होता होगा, अगर ये अमेरिका की मेसी स्टोर में पहुंचेगी, यही शायद 60,000 रुपया में बिक्री हो सकती है। चुनौती है ब्रांड की। हमारी देश में घर घर में कारीगरी है, हर घर में हुनर है, लेकिन चुनौती है उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको गुणात्मक मानक के साथ जोड़ना, उसको पैकिंग करना, उसको बिक्री करना। और मैं आज तो विभाग को इसीलिए भी बधाई देता हूं, आज उन्होंने भारत सरकार की जो अमेज़न की जो सरकारी वर्षन है जेम पोर्टल, आज हमारी ये उत्पादित चीज भी जेम पोर्टल में बिक्री हो पाएगा। हमारी रामपुर की कारीगरी, मुरादाबाद की कारीगरी यूरोप में ब्रसेल्स शहर में भी प्लेटफॉर्म के माध्यम पे ऑर्डर आएगा, हमारी लोगों की चीज बिक्री होगी। इसकी श्रेय हुनर हाट को जाएगा, उसकी श्रेय अल्पसंख्यक विभाग को जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं तो इस मेला में आके अभिभूत हूं। आपकी विभाग ने, नकवी जी ने विश्वकर्मा को आज याद किया। कौन है ये विश्वकर्मा? उत्तर प्रदेश में तो हर एक गांव में 5-6 विश्वकर्मा है। कोई लोहार है, कोई सुनार है, कोई तांती है, कोई कुमार है, कोई पसमंदा बुनकर है, ये सब तो विश्वकर्मा है। आज विभाग ने ऐसे विश्वकर्माओं को मोदी जी की दृष्टि विजन के साथ जुड़ के एक आज बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज आवश्यकता है इस उत्पादित चीजों को बाजार तक पहुंचाना। आने वाले दिनों में मैं शिक्षा मंत्री हूं, मेरे को सौभाग्य मिला है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना।
मित्रों, मैं पिछले एक डेढ़ साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को पढ़ रहा था, लेकिन जब शिक्षा विभाग में काम किया, पत्रकार मित्र ही उपस्थित है, मैं आप लोगों के माध्यम से यूपी की जनता को, देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये एनईपी में मोदी जी ने क्या रखा है। मोदी जी ने कहा है पढ़ाई के साथ कमाई भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई और कमाई ये दोनों की मेल आज नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह कहा है आने वाले दिनों में, यानी इसी सत्र से जब पूजा दशहरा हो गई है, अक्टूबर 20-25 से आगे, दीपावली के आगे विद्यालय खुलेंगे, सत्र शुरू हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है 6वीं कक्षा से, क्लास 6 से क्लास 12 तक, 6 से 12 तक मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा, उसको भी शिक्षा की मान्यता दिया जाएगा। सब पढ़ेंगे, सब काम भी सीखेंगे। पढ़ना और कमाई, पढ़ाई और कमाई दोनों साथ साथ होगा। 12वीं आते आते मित्रों, हमारी देश की नौजवान आत्मनिर्भर होगा, आत्मनिर्भर होगा रोजगार के माध्यम से, अर्थनैतिक प्रगति होने से, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होने से व्यक्ति की स्वाभिमान जगेगी। ये इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख अंश है।